दोस्तों अगर आप अर्जुन तेंदुलकर को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात टाइटंस के बीच में आईपीएल 2023 का एक और रोमांचक मुकाबला शुरू हुआ। दोस्तों इसी मुकाबले के पीछे शुभमन गिल और अर्जुन तेंदुलकर आमने सामने आए। दोस्तों आप सभी को बता दें, जब ये दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर खेल रहे थे, क्योंकि रोहित शर्मा ने टॉस जीता था और गेंदबाजी को चुना था। दूसरा ही ओवर रोहित शर्मा ने दिया था सामने वृद्धिमान साहा के गेंदबाजी करने के लिए अर्जुन तेंदुलकर को, और अर्जुन तेंदुलकर ने अपने पहले ही ओवर में पहले विकेट निकाली उन्होंने वृद्धिमान साहा की, जो कि इस तरीके से अर्जुन तेंदुलकर की गेंद पर एज देकर ईशान किशन को कैच देकर आउट हुए। लेकिन उसके बाद मैदान पर आए हार्दिक पांड्या और यहां से उन्होंने बड़ा झटका दिया अर्जुन तेंदुलकर को। दोस्तों जैसे अर्जुन तेंदुलकर अपने ओवर पूरा कर रहे थे, वैसे ही ओवर की अगली ओवर डालने आए बहरान ड्रॉफ। अगले ओवर की तीसरी गेंद को इस तरीके से खेला हार्दिक पांड्या ने, गेंद लग गई पैर पर अर्जुन तेंदुलकर के काफी जोर से, जिसके चलते उन्हें मैदान पर छोड़कर साइड में जाकर बैठना पड़ा, फिजियो को बुलाना पड़ा। कुछ इस तरीके से दर्द से जूझ रहे थे अर्जुन तेंदुलकर, जिसके चलते रोहित शर्मा ने अर्जुन तेंदुलकर को टिम डेविड से रिप्लेस कर दिया एक खिलाड़ी फील्डिंग के लिए, जिसके चलते तेंदुलकर अर्जुन मैदान से बाहर गए। हार्दिक पांड्या की गेंद उन्हें काफी ज्यादा जोर से लगी थी, जिसके चलते शुरुआती 10 ओवर तक गेंदबाजी करने ही नहीं आए अर्जुन तेंदुलकर। लेकिन दोस्तों आप गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी को अर्जुन तेंदुलकर की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बता दें।